आयोजन आपका, व्यवस्था हमारी, संतुष्ट रहे आप, जिम्मेदारी है हमारी। जी हाँ, आपकी गरिमा का विशेष ध्यान रखते हुए अब हर बजट में हम आपको लग्जरियस देने का वादा करते हैं। विवाह समारोह हो या कोई भी मांगलिक आयोजन, समस्त व्यवस्थाएं अब एक ही छत के नीचे। हमारे परिसर हैं वृंदावन गार्डन, शुभ परिसर, लक्की गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, अमृत परिसर, गंगराड़े धर्मशाला, नार्मदी धर्मशाला और बापू गार्डन। संचालक रितेश कपूर और श्याम कपूर। मोबाइल नंबर 9827370996 और 9424816206। एक फोन आप हमें करें, हम वादा करते हैं आपको दूसरा फोन कहीं नहीं करना होगा। दूध तलाई क्षेत्र में सौंदर्यकरण में बाधक बन रहे अतिक्रमण को हटाया। यह 16 मकान जिनके पास पट्टे हैं उन्हें विस्थापित किया जाएगा। तालाब पर बनाए गए थे यह मकान, सुरक्षा की दृष्टि से हटाया गया है। खंडवा में आज दूध तलाई क्षेत्र में नगर निगम में पहले कई बार सुंदरीकरण का किया गया है, लेकिन अतिक्रमणकारियों द्वारा लगातार इस पर कब्जा करने के लिए मकान तान दिए गए। आखिर नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई आज दूध तलाई क्षेत्र में देखने को मिली, जहां पर आज सुबह नगर निगम का अमला, नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान, खंडवा अनुविभागीय अधिकारी ममता खेड़े द्वारा दूध तलाई क्षेत्र में 28 मकान ऐसे हैं जिन्हें चिन्हित कर तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। नगर निगम प्रशासन द्वारा कई बार अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया, लेकिन अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, कोई शॉर्ट नोटिस नहीं दिया गया। इससे पहले भी कई बार अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया, अतिक्रमणकारियों को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। तालाब का गहरीकरण किया जाएगा और सौंदर्यकरण भी किया जाएगा, सुंदर बनाया जाएगा ताकि शहरवासी यहां आ सके। वही SDM खंडवा द्वारा पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा गया कि तालाब की भूमि है, इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था, सुरक्षा की दृष्टि से इन्हें हटाया जा रहा है। 16 मकान जिनके पास पट्टे हैं उन्हें विस्थापित किया जा रहा है और 14 मकान जिनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है उन्हें हटा दिया गया है। 14 परिवारों को विस्थापित किया जाएगा। दूसरी जगह नगर निगम की टीम द्वारा 3 JCB मशीन से आज 5 मकानों को जमींदोज कर दिया गया। इस बीच अतिक्रमणकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बहस भी हुई। इस कार्रवाई में नगर पुलिस अधीक्षक ललित गटरे, तहसीलदार, नगर निगम का अमला और राजस्व विभाग की टीम मौजूद थे। वही अतिक्रमणकारियों ने विरोध कर कहा कि हमें नगर निगम द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया और आज अचानक हमारे घरों को निगम द्वारा तोड़ दिया गया, अब हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहां जाएंगे। सब जाओ पीछे वालों को, सबका औंधा कर रहा है ना, सब
तुमने इनको पट्टा दिया तो हमको भी देना था ना पट्टा, कि तुमने कुछ खाकर पट्टा दिया। छोटे-छोटे बच्चे हमारे। तालाब के भीतर की भूमि है, शिकायत तो एक अलग वस्तु है, लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी खतरनाक है। तालाब के अंदर मकान बने हुए हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से अतिक्रमण किया गया है। ये लगभग 16 मकान हैं जिनको अस्थाई पट्टे दिए थे, उनके विस्थापन की कार्रवाई प्रचलित है, और बाकी 14 मकान ऐसे थे जिनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उनको हटाया जाकर अन्यत्र शिफ्ट किया जा रहा है। और इसके अलावा कुछ छोटी मोटी घुमटियाँ और इस तरह की, तो पूरा जो तालाब की पाल है वो पूरी घिरी हुई थी, उसको हटाया जा रहा है। जिनको पट्टे अधिकृत रूप से मिले हुए हैं, क्या वो लोग उनके व्यवस्थापन की कार्रवाई की जाएगी? पहले को नोटिस दिए थे जी, नगर निगम इनको कई बार नोटिस दे चुके हैं, अभी रिसेंटली 2 बार नोटिस हो चुका था। तालाब के गहरीकरण का कुछ अभी आपको कमिश्नर नगर निगम बताएंगे, इसके सौंदर्यीकरण और गहरीकरण और सफाई की परियोजना है।